Everyone, welcome to Free Study. And if you are new to the channel, please subscribe it and also share the video with your friends and families, because this channel is important for your UGC NET exam. And on this channel you get the videos related to commerce and also paper number one. And also like to tell you that humne abhi apna jo free study crash course hai jo 20 May se 20 June tak chala tha, 1 month free crash course, wo complete kiya hai commerce ka, jiske andar humne around 10,000 questions kiye hain. So aaj ka jo video hai wo isliye hai taki aapko kuch important topics main bata sakun jo 21st June 2019 exam mein puche gaye. And अब 22 and 23 को कोई एग्जाम भी नहीं है, ओके okay, सो दो दिन आपका एग्जाम नहीं है. अब 24 को ही एग्जाम होगा. तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ जो आज के पेपर में पूछे गए. एंड दीज आर टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमें हमारे स्टूडेंट्स ने बताए हैं. एक तो आपके जो थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग है, थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग आपने देखे होंगे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, तो वो क्वेश्चन था. आपको कुछ क्वेश्चन थे सिलॉग से रिलेटेड, थे दो तीन क्वेश्चंस थे सिलॉजिज्म से रिलेटेड. देन आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से रिलेटेड था, क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइप क्वेश्चंस होते हैं. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बताऊंगी, क्योंकि अभी देखिए मैं चाहती हूँ वीडियो इतनी लंबी ना हो, बिकॉज आई नो आपका टाइम प्रीशियस है. सो आई डोंट वॉन्ट कि आप अपना टाइम जो है वो एक्स्ट्रा वेस्ट करें. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट आप टॉपिक सुन लीजिए. सो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चंस थे. एंड कुछ टूल्स पूछे गए थे लाइक मैचअप, ऑडियो कौन सा है, वीडियो कौन सा है, ऑडियो वीडियो साइंटिफिक जो टूल्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था. ज्ञान, ज्ञान की फुल फॉर्म पूछी गई थी. एंड ज्ञान वाणी कल पूछा गया था, एंड आज GIAN की फुल फॉर्म पूछी गई थी. देन आपका था लेसन प्लान, कि जो टीचर लेसन प्लान बनाता है तो उस टाइम उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस थे. तो क्वेश्चंस के लेवल ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं. देन मैथ्स में आपका था कि दो क्वेश्चंस में SI का डिफरेंस दिया हुआ था, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल. तो अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नॉलेज है तो आप उसको ईजिली कर सकते थे. देन एडूसेट एंड पॉडकास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एडूसेट एंड पॉडकास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके. देन कन्वेंशनल स्टडीज से थे, कन्वेंशनल स्टडीज जहाँ पे आपको नॉलेज दी जाती है, एंड जैसे लाइक कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं, परंपरागत जिन्हें हम बोलते हैं. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चंस थे, एंड आज का जो क्वेश्चन था वो अजर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड था. कल का जो क्वेश्चन था वो ये था कि किस टाइम पर ये, मतलब इसका टाइमिंग क्या थी, 2000 से 2015, आज पूछा गया था अजर्शन एंड रीजनिंग से. देन DI अगेन आज आपका ईजी था, एंड आज थोड़ी सी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में स्क्रॉल करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी. नंबर सीरीज आज भी नहीं पूछी गई थी, अल्फाबेटिक सीरीज ही पूछी गई थी आज भी, ओके. देन आपका डायग्राम एक्सक्लूसिव कुछ क्वेश्चन, सॉरी डायग्राम एक्सक्लूसिव नहीं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपने पढ़ा होगा ना, कि स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना. देन प्लैगियरिज्म फर्स्ट यूनिट के अंदर है, प्लैगियरिज्म रियलिस्टिक, तो ये जो मैथड्स होते हैं जो तो इस टाइप के क्वेश्चन थे. देन आपके सिलॉग से थे ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मीनिंग पूछा गया था, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे. क्वेश्चन था कि सरफेस ओजोन जो गैसेस होती हैं वो कैसे बनती हैं, विकी क्या है, WIKI ये क्या है. देन आपको चूज़ करनी थी कि आपको कुछ ऑप्शंस गिवन थे, एंड यू हैव टू चूज़ कि इसमें से काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, ओके. देन VCE की फुल फॉर्म थी, ओके. देन स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या होता है, बैरियर्स क्या हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, सो इस टाइप के क्वेश्चन थे. एंड स्टूडेंट्स का डाउट था कि करंट अफेयर्स करें हम या ना करें. तो देखिए, अगर आपने अभी तक कोई करंट अफेयर प्रिपेयर ही नहीं किया है तो आप एक दिन में करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं कर सकते. अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अनडाउटेडली छोड़ दीजिए करंट अफेयर्स. लेकिन अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आप टॉपिक से, जैसे मान लीजिए कल क्वेश्चन पूछा गया था जो ये आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका जो जापान पार्ट है या नहीं है, तो टॉपिक से रिलेट करके ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है. ऐसा नहीं है कि आपको जैसे UPSC या जो बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तरह करंट अफेयर्स पढ़ने हैं. सो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ 2-3 मार्क्स के लिए आप करंट अफेयर्स में टाइम वेस्ट मत कीजिए, बल्कि बाकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स को टाइम दीजिए, ओके. सो इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो आप भी अपना व्यू बताएं कि कैसा आपका एग्जाम रहा. एंड बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम काफ़ी कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एंड आपको काफ़ी जल्दी बहुत अच्छी अच्छी
बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे एंड वन थिंग मोर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, ओके, क्योंकि डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं. सो थैंक यू सो मच.